नामांकन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करना पड़ता है। क्या स्थिति लग रही है अभी तक घोसी लोकसभा में? बाबू आपको भी पता है, मन ही मन पत्रकारिता धर्म निभा रहे हो नहीं बता रहे हो, यहाँ के चुनाव जनता लड़ रही है और जनता सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि राजीव राय को छोड़कर जो बाकी प्रत्याशी हैं घोसी के मुसीबत में कभी नजर नहीं आते हैं। न बाढ़ में आए, न कटान में आए, न लॉकडाउन में आए, न कोरोना में आए, न दुर्घटना में, हर चुनाव में कहीं ना कहीं अवतरित हो जाते हैं। एक प्रत्याशी हैं छड़ी वाले, बलिया लड़े हारे भाग गए, बनारस लड़े हारे भाग गए, घोसिया हैं हारेंगे भाग जाएंगे, बसपा वाले हर पाँच साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, एक राजीव राय है 14 में चुनाव लड़ा हार गया, लगातार यहाँ है। अहंकार की भाषा न बोली जाए, मेरा एक सलाह सारे उम्मीदवारों को है, घोसी की जनता 20 सालों से अपने सांसद को देखने के लिए तड़प गई है, तरस गई है। यहाँ के लोगों को उस सांसद चाहिए जो उनके मित्रों की बात करें, किसी को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप दूर से सांप लगते हैं या पास से गाय रखते हैं, आप तोता लगते हैं या शेर लगते हैं, बात इंटरेस्ट ये है कि बुनकरों के लिए आप क्या कर, आपने क्या किया है, क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, मऊ के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे। और कल्पना तराय की बात करने वाले जो कल्पना तराय सदियों में एक पैदा होते हैं, उनसे प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके कामों का अनुसरण किया जा सकता है, तब घोसी के आगे बढ़ाया जाएगा, भाषणों से नहीं होता है। क्या कल्पना तराय की प्रेरणा को लेकर के आप आगे बढ़े? मेरे प्रेरणा स्रोत है स्वर्गीय कल्पना तराय जी, और यही बात है जहाँ खड़े हैं यही सड़क हमने बनाई थी, अरविंद राजभर कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को ही नहीं मानते, मथुरा नहीं जाते हैं अपने पूर्वजों को। भैया वो तो किसी को नहीं, मैं किसको मानता नहीं मानता, उनके सर्टिफिकेट उनसे चाहिए, वो भाजपा को मानते हैं, महेंद्र पांडे का बजाने वाली बात मानते हैं, भीख मंगवाने वाली बात मानते हैं, मोदी जी को साहब को गुजरात भेजने वाली बात मानते तो आकर कहे उन्होंने जो बोला था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैंने सपा के राजीव राय को सेट कर लिया। उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है राजीव राय को सेट करने का, राजीव राय को खरीदने का, उनके जैसे कितने मंत्री को मैं घुमाता रहता हूं, इसलिए अपने हैसियत में रहें और अहंकार न दिखाएं राजीव राय से। भारत सरकार राजीव राय को सेट नहीं कर पाई, आप लोग गवाह हैं, आज भी झेल रहा हूं, इनके जैसे मंत्री जो 4 तारीख तक हैं 5 तारीख को पैदल हो जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं है वो सेट करने की। अपने बच्चों को सेट कर ले, कभी बांस दे, कभी बनारस, कभी घोसी, क्यों नहीं सेट कर देते हैं, कहीं एक जगह सेट करते, बेटा हार गए बांस में हार गए कोई बात नहीं, यहाँ की जनता की सेवा करो, बनारस में हार गए यहाँ की जनता की सेवा करो, हारते हैं और भाग जाते हैं, वो तो सेट नहीं हो पा रहे, मुझे सेट करेंगे।